मैं गोपाल राय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है कि सरकार जो अगला चुनाव होने जा रहा है 13 विधानसभा का और 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अपना संगठन के ढांचा को तैयार करने के लिए ये अपना प्रगति का एक रास्ता निकल चुकी है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जब चली जा रही है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से आप देखेंगे कि बेरोजगारों का अंबार लगा हुआ है। एम टेक बी टेक की नौकरी नहीं मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 370 इन्होंने ये लाए बहुत अच्छा काम किए देश में लेकिन इनको कम से कम जो बेरोजगार नौजवान है उनके लिए रोजगार की कुछ व्यवस्था ऐसा करें। सर कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में अनुच्छेद 335 विकास पर प्रभाव पड़ने वाला है पूरी तरह से देखिए जनता पर असर पड़ेगा क्योंकि देश हित में होगी तो भारतीय इतिहास में अगर जो भारतवासी हैं निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे विकास हो। जो धारा 370 रखने के बाद पूरे देश भर से लोग जाकर अपना रोजगार खो सकते हैं मौजूदा सरकार वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, उसके राज्य में अत्याचार बढ़े हैं, डकैती बढ़ी है, बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से इसकी जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है। क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि जो सरकार से सटे हुए लोग हैं जैसे कि आपने देखा होगा उन्नाव की बेटी वाला बलात्कार वाला कांड अभी तो पत्रकारों की हत्या हो गई। इस तरह से जो अपराधी संगठित के लोग हैं जिनको संरक्षण मिलता है सरकार के जो